सो टुडे वी विल रीड 17th चैप्टर. ओके सो इसमें भी यही है, नेवर द नेक्ड इंट्रोडक्शन, दिस इज द चैप्टर नेम. ओके यू कैन सी दिस, या एंड वी ऑलरेडी रीड नेवर द नेक्ड जॉब एंड नेवर द नेक्ड सिटी. ओके तो जैसे उसमें था, मतलब हमें अपनी जॉब के साथ कुछ इंट्रो, कुछ लाइक स्पेसिफिकेशन बताने किस फील्ड में है जॉब वगैरह, या अगर आप सिटी का नाम बता रहे हो तो वहाँ पे कुछ फेमस चीज़ें बतानी है. तो ऐसे ही हमारा किस में है, नेवर द नेक्ड इंट्रोडक्शन में. ओके तो अगर आप लाइक किसी को इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहे हो तो हमें लाइक सिंपली नेम वगैरह ही नहीं बताना है. ओके हमें साथ में कुछ लाइक हम बता सकते हैं, हॉबी वगैरह हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर कुछ जो उसमें स्पेशल हो वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक इस पर्सन में ये स्पेशल है, या अगर हम अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो कुछ भी मतलब हॉबी वगैरह रिलेट कर सकते हैं उससे, जिसमें भी वो परफेक्ट हो या उसको पसंद हो वो हम मेंशन कर सकते हैं जब हम इंट्रो वगैरह देते हैं. मतलब क्योंकि अगर हम सिंपल नाम बता देते तो कोई मतलब हमारी जो कन्वर्जेशन है वो आगे बढ़ेगी नहीं, राइट. सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रो देना है साथ में, लाइक हॉबी वगैरह हम साथ में बता सकते हैं, जो उसमें स्पेशल हो वो बता सकते हैं, इस टाइप से हमें बताना है. ओके तो जैसे इसमें बता रखा है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, लाइक वो अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहा है और उसने बताया कि लाइक वो बोट वगैरह चलाता है. ओके तो अब जो नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है, वो उसके बारे में पूछ सकता है कि बोट मतलब कैसे चल रही है वहाँ पे, या किस प्लेस पे वो है, ट्रिप वगैरह कैसा है वहाँ पे, ठीक है. तो ये सारी कन्वर्सेशन आगे मतलब क्वेश्चन जो कमेंट कर सकते हैं वो. ओके नेक्स्ट मतलब कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए, ठीक, कंटिन्यू करने के लिए. ओके तो इसमें हम अब रीड कर रहे हैं टेक्निक 17, नेवर द नेक्ड इंट्रोडक्शन. ओके सो अब देखो एक बार मैं रीड कर देती हूँ इसे. व्हेन इंट्रोड्यूसिंग पीपल डोंट थ्रो आउट एन अनवेटेड हुक एंड स्टैंड देयर ग्रीनिंग लाइक बिग काम. मीन्स हमें इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस कराते वक्त लोगों से जस्ट एक नाम ही नहीं बता देना, लाइक सिंपली मैं बता दूँ कि माई नेम इज़ ज्योति, ज्योति. ओके सो ज्योति इज जस्ट अ डिनोटेशन, राइट, मीन्स लाइक एक ये जस्ट एक नेम है. ओके मतलब इस नेम से ये चीज़ डिफाइन हो रही है, बट ये एक नाम है तो इसमें नाम तो कुछ भी हो सकता है, राइट. तो उसमें कुछ क्वालिटी वगैरह नहीं आई, लाइक कुछ मतलब अलग स्पेसिफिकेशन वगैरह, ठीक है, मतलब क्या मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है. तो इस टाइप से मतलब ये होना चाहिए कि आपको साथ में कुछ बताना है, तो हमें केवल नाम देख के ही मतलब ऐसे नहीं फेंक देना है कि नाम बता दिया, ठीक है, दैट्स ओके, बट नॉट, इट्स नॉट ओके. सो अब देखो नेक्स्ट, लीविंग द न्यूली मेट्स टू फ्लटर देयर फंस एंड फिश फॉर अ टॉपिक. मीन्स इसमें ये है कि आपने नाम बताया और ये ऐसा लगेगा कि जैसे तुम फिश को पानी में से निकाल देते हो और वो क्या करती है, अपने जो पंख है वो फटफड़ाती रहती है, तो आप मतलब ये वाला काम वहाँ पे कर रहे हो अगर आप केवल नाम बता रहे हो. तो इसलिए हमें क्या करना है, बेट द कन्वर्जेशनल हुक टू गेट दैम इन द स्विम ऑफ थिंग्स, देन यू आर फ्री टू स्टे और फ्लोट ऑन टू द नेक्स्ट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. ओके तो आई थिंक यू गॉट इट माई पॉइंट. एंड If you are not comfortable, like ये अलग पैराग्राफ है, if you are not comfortable mentioning someone's job during the introduction, so mention their hobby or even a talent, okay? Means उसमें क्या अलग से talent है या क्या hobby वगैरह उसमें, तो हम ये चीज़ें mention कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि जो conversation है वो हमारी continue चलती रहे.